हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे फ्रेंड, सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ ज़रूरी काम से चांदनी के साथ मार्केट। वो क्यों आई हूँ और आज है ब्लॉग बहुत ख़ास, तो आज के ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहना और किस चीज़ की यहाँ तैयारी चल रही है वो सब आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। तो बस आप क्या काम करना है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर करना अगर आपका मन करे तो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बस सब कंटिन्यू करती हूँ, तो ब्लॉग को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वाला प्लेन वाला चिप्स अच्छा होता है। कितना करके पैकेट? हाँ एक से क्या होगा, भर के लिए ले रही हो तो एक बड़ा वाला लो ना, अच्छा मैंगो ले लो, बच्चा लोग शौक से खाता है। इसका पक्का ही मैंगो, ये क्या बोल रही है, दे दीजिए ले लो। हाँ ले लो, इसमें हाफ ट्यूशन के लिए दे दोगी और हाफ रख लोगी, हाफ से ज्यादा रख लोगी। एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसी के लिए बनाती हूँ वीडियो। कर लीजिए अब आपका ले लीजिए। बढ़िया से ऐड कर दीजिए, करते हैं जहाँ भी जाते हैं सबका करते हैं, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। दुकान का नाम ले, हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स टेस्ट एंड वाइट का केक देखने। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर न्यू मोड से लेंगे जो हमेशा लेते हैं। केक तो ना कहीं शाम तक आएगा। केक तो सेम है चांदनी, सेम ही लग रहा है जो न्यू मोड में कप केक ये सब देता है। पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, तब तो चाहिए 65, ऐसे देता 65 या 80 या 90 में, और यहाँ दे रहा है कितना 45। हाँ हो सकता है टेस्ट में तो ज़रूरी। ये आ गया फ्रेंड्स नियो मोड, तुम्हारे हस्बैंड बोला। आज दानिश का बर्थडे है, इसलिए दानिश आज चॉकलेट बांट रहा तुम लोग को, इसलिए जब तुम लोग चॉकलेट मिल जाएगा तो फिर इसको ना बर्थडे विश कर देना, ठीक है? वो किसके लिए लाया, किटकैट? मेरे लिए लाया। चलो दानिश सब बच्चे को चॉकलेट बांटो, खुद से बांटो, हैप्पी बर्थडे विश करो। तुम ले लो शिखा, शर्मा क्यों रही, बोलो हैप्पी बर्थडे। 10 वाला चॉकलेट तुम्हें खिलाना है, केक नहीं खिलाएगा। बोलो कि दावत में ना नाइट में, चलो सब क्लैपिंग करके हैप्पी बर्थडे जोर से विश करो। A few hours later. अभी 8 बज रहे फ्रेंड्स और मैं जा रही हूँ चांदनी के यहाँ, दानिश का बर्थडे है तो बस मैंने यही वाला सूट पहना क्योंकि गर्मी बहुत है। हल्का सा हमने बीवी क्रीम लगाया है, हल्का सा ब्लश लगाया, हल्का सा पिंक कलर का आई शेडो और आई लाइनर और मस्कारा और रेड कलर की लिपस्टिक को हल्का सा उंगली पे लेके हमने ऐसे लगा लिया। तो बस ये हो गई मैं रेडी और बच्चे पढ़ रहे इसलिए मैं जोर से नहीं बोल रही। अब मैं जा रही हूँ चांदनी के यहाँ।
नकाब मैंने इसलिए पहन लिया फ्रेंड्स कि वहाँ पे ना बहुत सारा नीचे में बिल्डिंग के आदमी रहता था, इसलिए मैंने नकाब पहन लिया। एक जो है फ्रेंड्स यहीं फ्रिज में रखती थी मैं, क्योंकि चांदनी का फ्रिज पूरा ना फुल था, तो केक यहीं था। क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो केक भी हमने निकाल लिया है, तो बस केक को हमने निकाल के रख लिया फ्रेंड्स। और जा रही हूँ, चांदनी का कॉल पे कॉल आ रहा है। A few moments later. मैं आ गई हूँ चांदनी के यहाँ, और यहाँ पे बिरयानी बस बनने का इंतज़ाम है। तो यहाँ पे चावल हमने पानी में डाल दिया, और यहाँ पे गोश्त भून रहा है। हाँ पापा सजाएंगे ये वाला, इसी में का है ना ये भी? हाँ शादी वाला। हाँ तो सेम उसी में का जो है ना, इसका था थोड़ा सा लाइनिंग का बस चेंज है, ऑरेंज कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है इसमें का। ये सेम प्राइस का, ये है तरन्नुम का, इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज है। 700 रुपया ना? 950 करके दिया था। तो ये है तरन्नुम का, आपका एक रेंज का मेरा, तुम भी आज यही पहन लो। तो ये यहीं से लिए सब, तरन्नुम आपके हाथ में सिलाई में बहुत फिनिशिंग आ गया था, पहले से भी ज्यादा। पैंट हाँ लग रहा है टेलर का सिला हुआ है, ये पैंट सिला। पैंट कितना अच्छा सिली तरन्नुम। हाँ तरन्नुम का सूट जो अभी पहनेगी, सब साड़ी पहनने वाली थी लेकिन गर्मी को देखते हुए सूट पहनने का प्लानिंग हुआ, वो भी मैं ये वाला सूट पहन के आई। तो चांदनी के पास भी है और तरन्नुम के पास भी, तो दोनों बोली कि हम दोनों भी यही पहन लेते हैं, नहीं तो ये दोनों ना साड़ी पहनने वाली थी। तो ये रहा चांदनी का ड्रेस, सब वही का सूट सब है जहाँ से लेते हैं हम लोग, बड़ा बाजार जूस मार्केट से। कौन सा चांदनी, कौन सा पट्टी बताई थी एक बार बता दो तो? धोती पट्टी। हाँ। धोती पट्टी बोलने से उसी गली में जाने से शॉप है जहाँ अच्छे अच्छे प्राइस में जो है ना सूट्स वगैरह मिलते हैं। क्यों नहीं, अच्छा तो कलर है, सूट तो बहुत ज़्यादा छोटा है चांदनी। ये भी वही का आपका जहाँ से हम लोग लेते हैं, ये भी तरन्नुम का वही का सूट है जहाँ से ये सूट मैंने लेकर के पहना था। ये शॉपिंग मैं और चांदनी तरन्नुम की शादी के टाइम में हम लोगों ने किया था। हाँ मुझे वो बहुत अच्छा लगा तरन्नुम, जो आप पैंट पैजामा सिली है बहुत खूबसूरत सिली है, हमको बता दीजिएगा। नहीं तो हमको नहीं आता ना कटिंग ना करने, सिल तो लूँगी कटिंग नहीं करने आता ना, कटिंग बता। हाँ इस बार आप बता के जाइए मुझे, ऊपर से रखेंगे। हाँ एक लेयर में यहाँ रख दो, फिर एक लास्ट लेयर में ऊपर रखोगी बस हो जाएगा। हाँ दोनों दोनों लगेगा थोड़ा थोड़ा। केवरा वाटर लाओ, रोज नहीं भी रखोगी चलेगा, केवरा वाटर रखो। हाँ है तो दोनों ही डाल दो, वरना केवरा वाटर से ना अच्छा टेस्ट आता है। अब ऊपर में डालोगी। लास्ट लेयर बिरयानी का जा रहा है, रोज बटर मत रखो भी ज़्यादा, अब मत, अब रखो ही मत। हाँ ऊपर से पूरा में डाल दो।
पूरा टाइम है, खाना भी निकल रहा है, मतलब जो लोग अवेलेबल है उनके लिए निकल रहा है। और शर्म को मैंने अभी कॉल किया तो वो बस थोड़ी देर में आई थी, तो फिर तो बस नाश्ता वगैरह करके ऐसे रिलैक्स कर रही। गर्मी आज इतनी ज़्यादा थी फ्रेंड, बहुत बीच में लाइट भी चली गई थी, बहुत ज़्यादा हालत खराब हुई थी। मैं ब्लॉग कर रही हूँ, मेरा मुँह देख रही है। तो बस शाम का वेट कर रही, वो आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे फ्रेंड्स, उसके बाद जाएंगे घर। और बहुत ज़्यादा थकान हो रही, उससे ज़्यादा फ्रेंड्स मुझे नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। साढ़े दस बजे के करीब फ्रेंड्स हम आ गए थे, लेकिन आने के बाद वो चांदनी के हस्बैंड और हसनैन वगैरह सब मिल के ऊपर छत पे चले गए थे। तो वहाँ उन लोगों ने अपनी पार्टी वगैरह की, मतलब उन लोगों का जो भी था एंजॉय करना, बैठ के नाश्ता वगैरह अलग से उन लोगों का वहाँ लगा था छत पे। तो वहाँ से उतरे वो लोग 12 बजे के करीब, और अब जा करके वो लोग कर रहे हैं। ये लोग पहले डिनर कर ले फ्रेंड्स, फिर हम लोग करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जाते जाते ना मुझे घर कितना बज गया था, 1 बज गया था, तो इसलिए मैं ना और ब्लॉग ही नहीं कर पाई। और अजीब सा मन हो रहा था तो ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं कर पाई। तो आप लोगों के क्वेश्चन के ना कई सारे आंसर देने थे मुझे, 2-3 क्वेश्चन के, तो फिर मैं सोची ना कि उसको नेक्स्ट ब्लॉग में कर लूँगी। तो आज जो ये वाला ब्लॉग है हमारा, इसमें सॉरी दिल से, आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना, मैं इसमें आप लोगों को आंसर नहीं कर पाऊँगी। मैं इसलिए सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे को मैंने कमेंट में आज के इसी ब्लॉग में बोल दिया था कि मैं रिप्लाई करूँगी, तो वो लोग हो सकता है शायद वेट करेंगे, तो इसलिए मैं सॉरी बोल रही हूँ कि इसमें ना गुंजाइश भी नहीं बची थी। ब्लॉग भी हमारा अच्छा खासा बन चुका था। दूसरी चीज़ थी कि मैं 1 बजे तक घर पहुँची थी ना फ्रेंड्स, तो फिर ना मुझे नींद इतनी आ रही थी, मेरा सोना ज़रूरी था, क्योंकि फिर आप लोगों को पता है ट्यूशन वगैरह क्लासेस घर में चलते हैं तो सुबह सुबह ही उठना पड़ता है, तो बिल्कुल भी फिर और दिन में सोने का बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिलता है, और नींद नहीं पूरी होने से तो आपको पता ही है प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने आगे ब्लॉग नहीं कंटिन्यू किया, उसके लिए आप लोग माइंड नहीं किया।